Welcome to my YouTube channel PDS Classes. Please subscribe my channel and press the bell icon for the further notification. I hope you will like this video. Today we are going to talk about the poem My Mother at 66 written by Kamala Das. First look at the central idea. The first part of the central idea is mother-daughter relationship. You know that mother-daughter relationship is the center of the whole universe. It is one of the most beautiful relationship out of all the other relationships. Just see what is written in the slide. Relationship between people becomes stronger at every aspect of life. People can't bear separation due to aging. In this poem, the poet relates a personal experience of sensational separation of a mother and daughter. She captures almost all the emotions which a daughter is filled with on bidding farewell to her beloved mother. Poet Kamala Das अपनी मदर से मिलने के लिए आती है और जब वापस वो अपने इन-लॉज के घर के लिए रवाना होती है तो उस समय जब वो अपनी मदर की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है. Probably उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो अपनी माँ से वापस मिल पाए. उसे लगता है कि उसकी मदर की डेथ हो जाएगी मीनवाइल जब वो वापस अपने पेरेंटल होम आएगी. तो इस रिलेशनशिप को, इस कंसर्न को इस पोइम में बड़े ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है. सेकंड सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम इज दैट द चाइल्डहुड फियर आर परमानेंट. बच्चों के डर परमानेंट होते हैं, वो उनके मन से कभी दूर नहीं हो पाते हैं. द Fear formed in childhood takes a permanent shape in the subconscious mind of children and they permanently haunts them even if they grow. Here in this case, Kamala Das was afraid that she will be separated from her mother. In her childhood, she thought so. अब तो वो बड़ी भी हो चुकी है, फिर भी उसे बार बार यही डर सताता रहता है. तो एक बार बचपन में जो डर दिमाग में बैठ जाते हैं उन्हें रिमूव करना पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट एस्पेक्ट है एजिंग इफेक्ट. दोज हु आर बोर्न ऑन द अर्थ दे हैव टू गो थ्रू सर्टेन साइकिल. फर्स्ट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस चाइल्डहुड, देन दे बिकम यंग एंड अल्टीमेटली दे बिकम ओल्ड एंड डाई. ओल्ड एज एक सिंबल है जहां पर हमारी बॉडी का पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लग जाता है और इस डीके की स्टेज से एक पर्सन फाइनली डेथ को रिसीव करता है. तो पोइट भी अच्छे तरीके से जानती है कि उसकी मदर है वो सी इज अप्रोचिंग नियर डेथ स्लोली एंड स्लोली. अब हम पोइम के टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं. लेट अस लुक एट द टेक्स्ट. क्वेश्चंस भी बताऊंगा मैं आपको कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोइटिक स्टेंजा के हिसाब से. लुक एट द फर्स्ट थ्री लाइन. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे. ऑब्वियसली द डे वॉज फ्राइडे. The poet was going to Cochin. अब ये भी लिख सकते हैं that the poet was going to airport to have a flight for Cochin. Probably Cochin उसका in-laws का होम है और अपनी मदर के घर से वो रवाना हुई है एयरपोर्ट के लिए जहाँ से वो फ्लाइट लेके सीधे अपने in-laws के घर पर जाएगी. डे है वो फ्राइडे था. I saw my mother beside me. Beside वर्ड का मतलब निकलता है नियर. उसकी मदर उसके पास ही बैठी थी कार में. तो when she looked at her mother, she found that her mother was dozed. Dozed का मतलब होता है asleep और लगभग सोए हुए वाली स्थिति होना. Open mouth, माँ का जो मुंह है वो खुला हुआ था. यहाँ पर आगे आपको एक सिमिली दी गई है. देखिए, her face ashen like that of a corpse. Corpse वर्ड का मतलब निकलता है डेड बॉडी. डेड बॉडी एशन वर्ड है, इसका मतलब निकलता है ग्रे कलर. तो मदर के जो फेस का जो कलर है वो एक डेड बॉडी से रिजेंबल करता था. यहां पर हमें एक लाइक वर्ड भी दिया गया है. जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लाइक वर्ड से कंपेयर किया जाए तो यह लिटरेरी डिवाइस सिमिली कहलाती है. सिमिली में यह कंपल्सरी है कि दो ऑब्जेक्ट
कंप्लीटली डिफरेंट होने चाहिए और इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए। ये जो कॉमन क्वालिटी इस पोइम के कॉन्टेक्स्ट में मिलती है वो है ग्रे कलर। और जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, पहला तो है मदर का फेस और दूसरा है डेड बॉडी। नाउ सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। एंड सी रियलाइज विथ पेन। अब ये पूछा जाता है कि वो पेन क्या था। ये जो पेन था, ये पेन था पेन ऑफ सेपरेशन। द पोइट वॉज अफ्रेड दैट सी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। लास्ट टू लाइन्स जस्ट सी एट दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। तो यहाँ पर पोइट को रियलाइज हो जाता है कि उसकी मदर क्या हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है। सून सी विल डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस सच्चाई को वो किसी भी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी या इस चीज़ से वो अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहती थी। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या किया पोइट ने, ये देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब आपसे ये पूछा जाता है विच थॉट। ऑब्वियसली ये जो थॉट है, दिस थॉट इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ हर मदर। तो इस आइडिया का वो अपने आप से थोड़ी देर के लिए दूर करना चाहती थी। दैट्स वाई सी लुक्ड आउट ऑफ द कार। कार से उसने बाहर की तरफ देखा। अब आपसे पूछा जाता है वेदर द पोइट इज सक्सेसफुल इन डूइंग सो और नॉट। पोइट के लिए ये भले ही टेम्परेरी रिलीफ हो जाता है, बट अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो जानती है कि वह इस आइडिया को दूर नहीं रख सकती। उसकी मदर ओल्ड हो गई है और उसकी डेथ हो जाएगी। तब वो बाहर देखती है तो उसे तीन इमेजेस दिखाई देती है। फर्स्ट इमेज जो यहाँ पे दिखाई देती है वो है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग बैक। ये एक रिलेटिव लॉ ऑफ मोशन है। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारे जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो जनरली इट मीन्स द ट्रीज वर मूविंग बैक। यंग ट्रीज है, साथ में ये सिंबल भी है। इसका सिंबल है, ये युद्ध का सिंबल है। ये हो गई आपकी फर्स्ट इमेज। सेकेंड सी लुक एट द मैरी चिल्ड्रन। द वर्ड मैरी मीन्स हैप्पी चिल्ड्रन। कुछ बच्चे होते हैं वो घर के बाहर खेल रहे होते हैं तो पोइट की नज़र उन पर भी जाती है। मैरी चिल्ड्रन चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करते हैं। पोइट को ये लगता है कि उसका चाइल्डहुड चला गया। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग को देख के लगता है कि उसकी मदर का युद्ध भी चला गया। दी चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम। पोइट को ये दो इमेजेस दिखाई देती है एंड सी इज नॉट सक्सेसफुल इन डाइवर्टिंग हर माइंड। अब आगे पोएम में आपको लैप्स ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। हमें पता चलता है कि वो कार से नीचे उतर जाती है और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकअप पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक व्हेन शी वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। यार्ड्स एक वर्ड है जो डिस्टेंस को मेजर करता है। पोइट को अब अपनी फ्लाइट लेनी है। उसकी माँ उससे कुछ यार्ड के डिस्टेंस पर खड़ी है और वो अपनी माँ की तरफ वापस देखती है। उसके दिमाग में एक ही आइडिया चल रहा है वेदर सी विल बी एबल टू मीट हर मदर और नॉट। उसकी माँ जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी जब वो वापस लौट कर अपने पेरेंटल होम आएगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई लुक्ड एट हर। पोइट वापस अपनी मदर की तरफ देखती है एंड सी फाइंड्स हर वेन। वेन का मतलब होता है वीक। उसको अपनी माँ का चेहरा है और उसकी जो फिजिकल अपीरियंस है वो बड़ा कमजोर सा दिखाई देता है। उसे लगता है उसकी मदर बहुत कमजोर हो चुकी है। शी वाज आल्सो लुकिंग पेल। पेल का मतलब होता है येलो। यहाँ पर आपको सेकंड सिमिली देखने को मिलेगी इस पॉइंट की। कैसे है ये सिमिली, चलिए देखते हैं। किन दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया गया है। फर्स्ट मदर को कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून। लेट विंटर का जो मून होता है इट इज ऑल्सो डल, इट इज ऑल्सो लश्चरलेस। लश्चरलेस का मतलब होता है कि इसमें यूजुअल ब्राइटनेस नहीं होती है। तो मदर का चेहरा भी डल है, मदर का चेहरा भी लश्चरलेस है,
ठीक वैसे ही जैसे लेट विंटर का मून होता है. लेट अस सी द नेक्स्ट. एंसी फेल्ट द ओल्ड फेमेलियर एक फेमेलियर फेमेलियर विच यू नो ऑलरेडी. और एक वर्ड का मतलब निकलता है पेन. तो एक ऐसा दर्द जो जाना पहचाना सा है वो वापस लौट के आ जाता है. अब आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा एक था, कौन सा पेन था. तो ये पेन था उसका चाइल्डहुड का फियर. चाइल्डहुड में वो सोचा करती थी कि वह अपनी मदर से सेपरेट हो जाएगी. सेपरेट हो जाएगी तो इस कंडीशन में सी विल बिकम हेल्पलेस. उसकी कौन हेल्प करेगा. वही डर अभी भी पोइट को सताता है और वो डर लौट कर वापस आ जाता है. उस डर को छिपाने के लिए वो कुछ एफर्ट करती है. लेट अस सी. बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा. लास्ट की जो आपके चार लाइन है उसमें से एक कॉमन क्वेश्चन बनता है. क्यों कहा उसने अपनी मदर को दैट सी यू सून अम्मा. सेकेंड क्वेश्चन इसका निकलता है कि ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल. इन दोनों क्वेश्चन के सिमिलर आंसर निकलते. The poet wanted to hide her fear. वो अपने डर को छुपाना चाहती थी. That's why she looked at her mother and smiled towards her mother. Second point इसका निकलता है कि it was a desperate effort to hide her fear. Desperate का मतलब होता है निराशा से भरा हुआ एक प्रयास था कि वो अपनी माँ से इस दर्द को छुपा सके या अपने डर को क्या कर सके, छुपा सके. अगर आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि पोइट है वो ऑप्टिमिस्ट हैं कि वह अपनी मदर से वापस मिलेगी. पर यह आंसर उतना सूटेबल नहीं बनता है जितने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बनते हैं. तो इट वाज एन एफर्ट ऑफ द पोइट टू हाइड हर फियर दैट सी डिड नॉट वांट हर मदर टू नो दैट सी वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर. तो क्या ध्यान में रखना है आपको. फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वेयर वॉज द पोइट गोइंग. The poet was going to airport. Second point जो आपको ध्यान में रखना है, इस poem के context में कौन कौन सी images दी गई है और उन images का meaning क्या निकलता है. Images हैं एक तो young sprinting trees, दूसरी image आपको मिलेगी merry children playing out of their home. Third question जो आपको ध्यान में रखना है वो है two similes. इस पोइम के कॉन्टेक्स्ट में दो सिमिलीज दी गई है आपको. फर्स्ट सिमिली में मदर के फेस को डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है. सेकंड सिमिली में मदर के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है. आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो. थैंक यू. गुड बाय.